एक पल्सर 150 पुलिस भाई साहब वाली। भाई अगर आप लोग सिटी एरिया में हो ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली गाड़ी चलाओ, क्योंकि ऑलराइट एम जी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम जी थ्रॉटल। सो गाइज, जैसे कि देख सकते हो, आज हमारी स्टार्टिंग हमारे घर से नहीं बल्कि बाहर से हुई है, शहीद गेट से। तो रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि आज मैंने माइक ख़रीदा है और आज के मतलब आए हुए हो गए हैं 2 दिन, तो माइक ख़रीदा था, तो मैं सोचा इसे लगा के व्लॉग करता हूँ, देखता हूँ कि भाई क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या कैसा एक्सपीरियंस है। सो होप सो भाई आवाज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर आ रही हो, और बाकी विंड ब्लास्ट भी हो सकता है थोड़ी बहुत कम मिले इससे, और जहाँ तक आपको एंगल भी आपको कैमरे का थोड़ा सा अलग ही मिल रहा होगा पहले के मुकाबले। और अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कैमरा, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे लगा है हेलमेट के। और कमेंट करके गाइस बताइएगा कैसा लग रहा है भाई व्यू। तो भाई लोगों, अभी थोड़ी सी मिसिंग हुई है पेट्रोल में, और यार आंटी क्या कर रही हो, थोड़ा गाइस देख के रोड क्रॉस करा करिए, और जल्दबाजी में ना करा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता। ओहो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, सो गाइस अभी पढ़वा लेते हैं अपने लोग पेट्रोल, 50 रुपये का पढ़वाएं क्योंकि इतना ही हमें काम है, 60 का। तो अभी पढ़वा लिया अपने लोग ने पेट्रोल, और अभी चलते हैं भाई अपनी वही वाली प्लेस पे। उम्मीद है कि भाई यार आपको आवाज़ अच्छी आ रही हो, कैमरे का एंगल अभी मैंने थोड़ा सा और सेट करा है ताकि आप लोग को व्यू अच्छा दिख सके। उम्मीद है कि भाई व्यू आपको दिख रहा हो अच्छा, कोशिश तो पूरी यही है। एक पल्सर 150 पुलिस भाई साहब वाली। सो गाइस मैं सोच रहा था आज की टाइम भी अच्छा है, मौसम भी हसीन है, और मैं आज कोशिश करने वाला हूँ थोड़े स्टंट्स परफॉर्म करने की, मतलब पब्लिक के सामने नहीं, ऐसी मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आज मैं ट्राई करूँगा ड्रिफ्टिंग और रोलिंग ड्रिफ्टिंग, जस्ट लगभग आ ही चुका है हमारा ग्राउंड, और ये रहा ग्राउंड, पर यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। तो मैं आज यहीं पे स्टंट परफॉर्म करता था, पर यहाँ तो यार काफ़ी सारे लोग हैं, तो पता नहीं यार कैसे स्टंट परफॉर्म करूँगा। सो गाइस चलिए फिर दूसरी जगह ढूंढ लेंगे अपने लोग को जगह की कमी नहीं है गाइस, लगता है कि भाई आज भी कुछ हो नहीं पाएगा, जगह गाइस यार मिल ही नहीं रही है। आई नीड जगह जहां मैं स्टंट परफॉर्म कर सकूं, तो भाई बिल्कुल भी कहीं भी जगह नहीं मिली, और मैं दोबारा 7 नंबर रोड से निकलने वाला हूँ, जगह ना मिले। और ये देखिए, ये निकले हमारे कुछ 3 छपरी। गाइज मैं आपको बताऊं कि यार आपकी पल्सी का जो है ना यार, वो एवरेज बहुत ज़्यादा अब गिरने लगा है, जिसकी वजह, इसके 2 मेन रीज़न हो सकते हैं, एक इसकी क्लच प्लेट और एक इसका इंजन ऑयल। हालांकि दोनों सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि क्लच प्लेट ख़राब होने की वजह से इंजन ऑयल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है और इंजन ऑयल डेड हो जाता है। हालाँकि अभी तक तो डेड तो नहीं हुआ है, पर यह है कि चल रहा है इंजन ऑयल मेरा। भाई अगर आप लोग सिटी एरिया में हो ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली गाड़ी चलाओ, क्योंकि मैं इस बारे में आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा कि एक्चुअली मैं अब क्यों सिटी में स्लो बाइक चला रहा हूँ। उसके बहुत ही बड़ा रीज़न है, जो मतलब जिसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, इस वजह से मैं सिटीज़ में भी बहुत स्लो चलाने लगा हूँ। और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि यार आप सिटी में स्लो चलाओ। अब हाईवे जब आता है
तब मैं खींचने की कोशिश करता हूँ उस पर, और बाकी मैं उस पर ही देखता हूँ कि यार लिमिट में रखूँ ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। आप लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता आप लोग का, और थैंक यू कहना चाहूँगा कि गाइस आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही भाई करते रहो भाई। और अभी हमारी रिसेंटली मैंने चेक करा तो 240 हो चुकी है हमारी फैमिली, मतलब 240 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल पे। सो थैंक यू गाइस आप लोगों का, और जितने भी लोग आप मुझे सपोर्ट करते हैं आपका बहुत बहुत थैंक यू, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप लोग अपना प्यार देते रहिए। तो नीचे चेकिंग वाले खड़े हैं पुलिस वाले, सो नीचे से नहीं जाएंगे क्योंकि चेकिंग हो रही है, ये नहीं पता है किस चीज़ की चेकिंग है। और बाकी इनमें से एक कॉन्स्टेबल की नज़र है मुझ पर, उम्मीद है कि भाई आपको एंगल काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। तो ये अपने फ्लाईओवर है डाकखाने का। और गाइस आपको और भी बताना चाहता हूँ कि मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अब स्टार्ट हो ही चुके हैं लगभग लगभग, उस वजह से भी मैं कई बार हो सकता है कि मुझे टाइम ना मिले और व्लॉग्स आने में थोड़ा सा डिले और हो जाए, क्योंकि भाई ये है कि मैं अभी 12th में हूँ, जस्ट रिसेंटली 2 महीने बाद ही मेरा एग्ज़ाम है बोर्ड्स। सो प्रे करिएगा गाइस मन लगा के पढ़ने पाऊँ और आपको आप लोग के लिए कंटेंट बनाता रहूँ, बाकी तो आपका भाई आपके लिए व्लॉग्स डालते ही रहेगा, उसकी चिंता ना करना भाई, तुम्हारा भाई ज़रूर व्लॉग डालेगा। ये जगह बेसिकली कोई पार्क, यहाँ पे कोई स्टंट एरिया नहीं है, सो स्टंट्स के लिए मैं आपसे कह रहा था तो यार स्टंट जगह नहीं मिल पाएगी यार, थोड़ा ऐसे घूम लेते हैं गलियाँ, मुझे मालूम है कौन सी कहाँ से निकालनी है। सो काफ़ी अच्छा भाई मूड और माहौल बन जाता है भाई गलियों में जब जाते हैं, थोड़ा सा एपिक रिएक्शन लेते हैं गलियों का भी कि गली के लोग क्या सोचते हैं अपने मोटो व्लॉग के बारे में, कुछ पब्लिक रिएक्शंस। बस यहाँ पे मैं रास्ता भूल ना जाऊँ, अगर मैं रास्ता भूल गया तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी अपने लोग को। जिस चीज़ का डर था वही नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि यार अभी अपने लोग को घर चलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो गाइस आप लोग के साथ शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है, आप लोग को यह है कि मैं अपनी दिल की कई सारी बातें मैं अपनी लाइफ की कई सारी बातें आपको दिल खोल के बताना पसंद करता हूँ गाइस। यार आप लोग का इतना सारा सपोर्ट है कि क्या बताऊँ यार, मतलब मैं मेरे चैनल को अभी 5 महीने होने जा रहे हैं और जस्ट उस पर 240 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए भाई बहुत मतलब चैलेंजिंग था ये यूट्यूब इतना पुश करना, पर फिर भी गाइस आप लोग का सपोर्ट था आप लोग का प्यार था कि भले ही 5 महीने हुए हैं हमारे चैनल को पर 240 सब्सक्राइबर्स हैं। सो थैंक यू आप लोगों को फिर से, और हमारी जो प्रॉपर राइड है वो गाइस दिखाते रहो गाइस, 1 महीने और रुककर ही होगी, और ये कहना चाहूंगा लास्ट में अपना ध्यान रखिएगा, 2-3 महीना आप मांगे चलो गाइस, ब्लेस यू, 2-3 महीने बाद आपको तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन राइड्स देखने को मिलेगी, और उम्मीद पूरी पूरी यही रहेगी कि भाई हर संडे राइड पे जाया करें आप लोग के लिए, और राइडिंग वीडियोस लाया करें, संडे राइड्स लाया करें।